वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां चंदसामपि मंगलानां चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमालंदि वल्लभं योन्तः प्रविश्य मम वाचमि मां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधामना अन्याउष्ठ हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राण भगवते पुरुषाय तुभ्यम ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्याम श्रुति मार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम सुरा सुरा सेवित पाद पंकज क्री विराजत कमनीय पुस्तका विधे पत्नीकमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तो वाचि सदा नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारिन्दा तवत्र नेत्र ये या भारत तैलपूर्ण प्रज्वालि ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजातायत्रक ज्ञान ज्ञानमुद्राय कृष्णाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यदा नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यदा निवृत्ता राजानो धनुषः सज्जकर्मणः अथोदिष्ठद्विप्राणाम् मध्यज्यシュनुरदारधि तत आहुय पांचाल्यो राजपुत्रं युधिष्ठिरं परियपृच्छत दीनात्मा कुंतीपुत्रं सुवर्च्छसं कथञ्जानि भवतः क्षत्रियान ब्राह्मणानुतः आनंदकन्द परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन महात्मा वैश्व पायन जी महाराज राजा जन्मे जाए भगवान वेद व्यास जी महाराज तथा अन्य समस्त उपस्थितों के समक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं राजन अर्जुन ने मत्स्य वेद किया भगवती द्रौपदी अर्जुन के साथ जहां कुंभकार की कार्यशाला थी वहां पर चली गई महाराज द्रुपद के मन में एक संशय था कि ब्राह्मण वेश में आकर के इस युवक ने मत्स्य तो किया लगता भी है मुझे कि यह अर्जुन होना चाहिए लेकिन निश्चित क्या कहें ये कौन है इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए यह स्वाभाविक था महाराज द्रुपद ने अपने पुत्र ध्रष्टद्युम्न को नियुक्त किया और जासूसी करते हुए स्वयं धृष्टद्युम्न वहां पर पहुंचते हैं पांडवों की संख्या पांडवों के साथ उनकी वृद्धमाता पांडवों की हलचले उनके पुष्ट शरीर और उनकी बातचीत का लहजा इन सब बातों के निरीक्षण से उसने स्वयं अपने पिताजी से कह दिया कि मेरी दृष्टि में तो ये पांडवों के मध्य अर्जुन ही यहाँ पर आए थे चलो जहां पर इनका निवास है वहां पर कल प्रातः का रथ भेज दिए जाए दूसरे दिन प्रात काल रथ आकर के पहुंचते हैं पांडवों ने भी वेशांतर कर लिया ब्राह्मण वेश को अब त्याग दिया अब उनको छिप करके रहने की आवश्यकता नहीं थी रथ में विराजमान होकर के पांडव भगवती कुंती माता के साथ वहां पर पधारते हैं पांडव वास्तव में ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है इसकी वहां पर परीक्षा ली गई एटीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं ना इसकी सारी रचना वहां पर की है महाभारत में इतनी विद्याओं का वर्णन है वास्तव में इन सब की खोज भी हो सकती है बहुत बड़ी मात्रा में यह बात कन्फर्म होती होती गई कि एक क्षत्रिय ही है और आखिर जाकर के अब महाराज द्रुपद ने उनसे उनका परिचय पूछा तब जाकर के महाराज युधिष्ठिर ने बतलाया अपना परिचय दिया भाइयों का परिचय दिया पांडव जीवंत है इस बात को जानकर के द्रुपद अत्यंत आह्लादित हुए जैसा कि मैंने सोचा था और बरसों से मेरी इच्छा थी कि मेरी द्रौपदी का पानी ग्रहण अर्जुन के द्वारा किया जाए और अर्जुन ने ही मत्स्यभेद किया द्रुपद को बहुत अच्छा लगा यहां तक की बात ठीक थी लेकिन आगे चल करके जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहा कि महाराज द्रौपदी का पाणी ग्रहण हम पांचों भाई करने वाले हैं यह सुनकर के तो द्रुपद का माथा ठनक गया स्वाभाविक था ने का यह कैसी भद्दी बात करते हैं आप लोग और ये कोई धर्म को लेकर के बात है एक कन्या का पाणी ग्रहण पांच लोग पांच भाई कैसे कर सकते हैं ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा धर्मराज और पांडव इस बात पर अड़े हैं कि पाणी ग्रहण तो पांचों भाई करेंगे द्रुपद इस बात को मानने को तैयार नहीं है आखिर ऐसे कसोटी के क्षण में क्या किया जाए इधर का इतिहास उधर का इतिहास सब चलता रहा भगवान वेदव्यास जी महाराज वहां पर अवतीर्ण होते हैं चलो वेदव्यास जी आ गए तो सबको अच्छा लगा क्योंकि वेदव्यास जी महाराज का परामर्श लगभग सभी लोग अंतिम निष्कर्ष मानते हैं जिन्होंने उनके निर्णयों को माना मा, संपूर्ण महाभारत में आप ये बात देखेंगे जिन्होंने उनके निर्णयों को माना उनका कल्याण हुआ और जिन्होंने उनके निर्णयों को नहीं माना आखिर जाकर के उनको जीवन में पश्चाताप करना पड़ा लोक कल्याणकारी सर्वज्ञ महात्मा है वे ध्रुप को भी अच्छा लगा सारी बात को वेद व्यास जी ने दोनों से समझ लिया उनको सब पता ही था और फिर उन्होंने द्रुपद से पूछा द्रुपद ये बताओ द्रौपदी का जन्म कब हुआ था द्रुपद ने कहा मैंने यज्ञ किया उस यज्ञ का कुछ विशेष संकल्प था उस यज्ञ की वेदी में एक बालक और एक बालिका प्रकट हुए बालक का नाम दृष्ट्युम्न है यह उसकी बहन कृष्णा द्रौपदी है वेद व्यास जी ने कहा मुझे तुमसे यह पूछना है कि जैसे सामान्य कन्या का जन्म होता है वैसे तुम्हारी पत्नी के गर्भ से द्रौपदी का जन्म हुआ है क्या उसने कहा नहीं नहीं, नहीं। द्रौपदी मेरी कन्या है ये मेरी मानस कन्या है। भगवान फाइन तो मुझे यही तो तुम्हें कहना है वो मानवीय कन्या नहीं है जी नहीं यज्ञ संभव है जी इसका अर्थ यह है कि मानवों को जो नियम लागू पड़ते हैं वह उसको लागू पड़ने की आवश्यकता नहीं है हर बात का एक एरिया होता है नियम कहा किसके लिए कैसे अप्लाइड होंगे यह अलग अलग बात है यह अलौकिक कन्या है इसलिए लौकिक नियमों से है परे है एक बात दूसरी बात चलो तुम कमरे में चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें कमरे में जाते ही भगवान वेदव्यास व्यास जी ने कहा द्रुपद मैं तुम्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म के दृश्य में ले जाता हूं और जैसे भगवान वेदव्यास व्यास जी ने द्रौपदी के पूर्व जन्म का दृश्य खड़ा किया तो द्रुपद ने क्या देखा एक तपस्विनी कन्या भगवान शिव की आराधना कर रही है भगवान शिव प्रसन्न हुए अत्यंत व्याकुल होकर के उस कन्या ने कहा मुझे पति चाहिए मुझे पति चाहिए उसने पांच बार कहा मुझे पति चाहिए अल्लड़ भगवान महादेव जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं छोरी तुम्हें पांच पति प्राप्त होंगे अब महादेव जी तो महादेव जी ऑल लॉजिक एंड नो मै ऑल मैजिक एंड नो लॉजिक महादेव उन्होंने कह दिया तो वो डर गई उसने कहा नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा आरी, लेकिन मेरे मुख से निकला तो सत्य तो होना ही चाहिए चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हारे पांच पति होंगे भगवान वेदव व्यास जी ने द्रुपद को उस द्रौपदी का जन्म दिखाया। ये कोई जादू है क्या ध्यान रखना प्लीज ये जादू नहीं है यह शास्त्र है जितना जितना विज्ञान एडवांस होता जाएगा उतना उतना भारतीय सारे शास्त्र सत्य प्रतीत होने लगेंगे यह आज की स्थिति है इतना समझने के लिए या तो आपको डॉक्टर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को जानना पड़ेगा और नहीं तो योग वासिष्ठ को जानना पड़ेगा इन दोनों ग्रंथों में इसका पूरा उहापोह पोहा है देर आर इन यूनिवर्सिस हम जहां पर बैठे हैं आप लोगों को लगता है हम सब लोगों को लगता है कि यह एक विश्व हम जो आंखों से देख रहे हैं, यह सत्य है लेकिन यह सत्य नहीं है केवल थोड़ी सी हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाए थोड़ी हमारी क्षमता विकसित हो जाए तो यहीं पर बैठे बैठे हमें सच्ची बात बतलाता हूं साक्षात पूज्य संतरा महाराज के काल का भी दर्शन हो सकता है वो सारे यूनिवर्सेस यहीं पर है वी जस्ट एंटर फ्रॉम दिस लेयर टू लेयर और ये मैं आपको पुराण की पुरा जीर्ण बातें नहीं बोल रहा हूं ये मैं आपको आज का विज्ञान बोल रहा हूं किसने विश्वास किया था कि अमेरिका में बैठे बैठे मेरे किसी संबंधी के साथ में यहां पर बैठे बैठे मोबाइल से बात भी करूंगा उसको देखूंगा भी जो वर्ष जो पचास वर्ष पहले हम लोगों को असंभव लगता था वो आज संभव है जैसे वहां के चित्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से यहां पर आ जाते हैं उसी प्रकार यदि हम टाइम ट्रैक पर पिछले वर्ष जाए पिछले वर्ष जाए सौ वर्ष पहले जाए तो अपने आप उस समय के भी जो दृश्य है वो हमें टाइम ट्रैक पर ला करके आज दिखाना संभव होगा विज्ञान इतनी प्रगति कर सकता है गांधारी के सौ पुत्र होने की बात हम लोग काल्पनिक मानते थे लेकिन टेस्ट्यू बेबी का संपूर्ण विज्ञान और सौ घटों में छोटे छोटे उन शक्लों को वेदव्यास जी ने जिस ढंग से रखा और उनका पोषण करवाया ये सारा देख करके भगवान वेदव्यास व्यास जी की वैज्ञानिकता का पता हम लोगों को चलता है हमारे सारे ऋषि उत्तम विज्ञान वेदता थे आज के विज्ञान वेदताओं को अभी तक उतना ज्ञान नहीं है जितना उन ऋषियों को था इनको भी वहां तक पहुंचना है अभी आज ये मेरे बोलने का विषय नहीं है लेकिन ये सब योग वासिष्ठ के बातें हैं। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे दि हाइएस्ट बुक अंडर सन, योग वासिष्ठ जैसे महाभारत की कथा लुप्त प्राय हो गई थी आठ नौ दस दिनों में पंद्रह दिनों में इस कथा को कहना यह कहीं होता नहीं था लेकिन मुझे लगा कि यह अद्भुत ग्रंथ लोगों को अल्प समय में व्यंगमावलोकन की पद्धति से क्यों न हो लेकिन सुनाना चाहिए वही स्थिति योग वासिष्ठ की है और विशेष बात यह है कि आज के विज्ञान का अध्येता उस योग वासिष्ठ को इतना पसंद करता है जाते जाते आपको इतना बतला देता हूं कि आजकल छोरा छोरी जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं ना द सीक्रेट द पावर ये सारी पुस्तकें योग वासिष्ठ के, के उच्चिष्ट है उच्चिष्ट है इससे हजारों गुना अधिक ज्ञान योग वासिष्ठ में है और उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक क्षण में किस प्रकार विस्तृत युग विस्तृत काल समाविष्ट हो जाता है आपने देख भागवत की कथा के अंत में यदि आपने सुना होगा तो करार विंदे पदार विंदम ये जिनका ध्यान है उन बाल मुकुंद भगवान के श्वास के साथ जैसे ही मार्कंडे मुनि उनके उदर में पहुंच जाते हैं उनके छोटे से पेट में उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों को देखा बाल मुकुंद भगवान तो छोटे से छोरे के रूप में शिशु के रूप में दिखते हैं उनके उदर में अनंत ब्रह्मांड है और ये मार्कंडे मुन्हीं ने एक बार नहीं देखा फिर से अंदर गए फिर से बाहर आए देखते हैं तो छोटा सा बालक है अंदर जाते हैं तो इतने सारे ब्रह्मांड व्हाट दैट ये गपोड़े नहीं है विज्ञान को सरल भाषा में समझाने का हमारे ऋषियों का एक तरीका है भ्रांति से लोगों को लगता है कि गैलीलियो ने इस बात को खोजा कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है गैलीलियो से 300 वर्ष पहले ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में सहज उपमा के रूप में न चालता सूर्याचे चाले वास्तव में सूरज चलता नहीं है पृथ्वी घूमती है लेकिन भ्रम कैसे होता है हमें भ्रम का उदाहरण देते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने उसके 300 वर्ष पहले इन बातों को बता दिया सारा संसार मानता था कि यह जमीन फ्लैट है और प्राचीन काल से हमारे ग्रंथों में भूगोल वर्णन आता है गोल सारे गोल है भारतीय संस्कृति विज्ञान के भी शिखर के ऊपर थी ध्यान रखना लेकिन हम लोगों को पराभूत करके इस संस्कृति के ज्ञान से तो वंचित किया ही गया हमारे स्वाभिमान से भी वंचित किया गया चलो भगवान वेद व्यास जी ने जब द्रुपद को दृश्य दिखा दिया और ये कह दिया कि इट इज ये तो होना ही है द्रुपद भी मान गए भगवती द्रौपदी का क्रम से सभी ने पाणी ग्रहण किया मंगल विवाह संपन्न हुआ इस एक विवाह से सारे समीकरण बदल गए समीकरण ऐसे बदल गए राजनीतिक समीकरण कैसे कैसे बदलते रहते गुजरात को इसका बड़ा अच्छा अनुभव है और ताजा है समीकरण कैसे बदल गए हस्तिनापुर की सत्ता को यह लगता था कि पांडव समाप्त हो गए और पांडव स्वयं अपने को दुर्बल मान करके स्वयं को छिपाते हुए इधर उधर घूम रहे थे अब पांडव अकेले नहीं रह गए अब पांडवों के साथ द्रुपद की सत्ता खड़ी हो गई अब पांडवों के साथ भगवान द्वारिकाधीश की भी सत्ता खड़ी हो गई पांडवों की शक्ति में अब प्रत्याशित वृद्धि हो गई सारे समीकरण बदल गए ये सारी वार्ताएं जब हस्तिनापुर पहुंची तो हस्तिनापुर में प्रजा को तो अत्यंत आनंद हुआ धुतराष्ट्र के ऊपर मानो पाला पड़ गया चंडाल चौकड़ी तो एकदम हताश हो गई ये पांडव कैसे जीवित रह गए और हम लोगों को पता कैसे नहीं चला आदि आदि अनेक बातें इसके पश्चात वो सारी बातें मैं बतलाता नहीं हूं आपको क्योंकि इतना समय नहीं है लेकिन पांचाल देश से अभस्तनापुर पांडवों को लिवा लाने के लिए विदुर जी को भेजा गया और पांडवों की इस यात्रा में पांडवों को मारने की अथवा द्रौपदी को फुसलाने की अथवा महाराज द्रुपद का मन परिवर्तन करने की क्या क्या योजनाएं हो सकती है दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण ये चारों बैठ करके इसका विचार करते हैं वट कैन बी डन नाउ ऑप्शन क्या क्या है होना जाना कुछ भी नहीं है लेकिन इनकी मनोवृत्ति कैसी इसका पता चलता है हस्तिनापुर के लोगों ने पांडवों का अभूतपूर्व स्वागत किया हमारे अत्यंत प्रिय महाराज पांडव के पांचों पुत्र और भगवती कुंती माता जीवित है हस्तिनापुर के लोग लट्ठू हो गए पांडवों की लोकप्रियता देख करके ही तो धतराष्ट्र और दुर्योधन आदि सब जलते थे इस समय थोड़ा विशेष विचार भीष्म ने किया वारणावत के लाक्षागृह का सबसे अधिक परिणाम जिस व्यक्ति पर हुआ था उसका नाम है भीष्म सामान्य लोगों को तो यही लगा था कि पांडव जल करके नष्ट हो गए वैसा ही प्रचारित भी किया गया था दुर्घटना के रूप में दुर्योधन दुशासन आदि यह चतुष्ट है बड़ा राजी हो गया था कि चलो हमारा षडयंत्र तो सफल हो गया धूतराष्ट्र रोया बेचारे पांडू के बेटे और बेचारी कुंती उनका ऐसा कैसे हो गया कैसे हो गया अरे चलो उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए उनके श्राद्धाधिक कर्मों में खूब दान धर्म करो इसका क्या जाना था वैसे इसका मन ठंडा था दुतराट झुटमुट रोया विदुर जी को पता है कि पांडव मरे नहीं लेकिन फिर दूतराष्ट्र के पास बैठे तो थो थोड़ा तो थो रोना चाहिए इसलिए उन्होंने दिखावे का रोना कर, रोने का ड्रामा कर लिया वास्तव में रोने वाला एक ही था इस राजघराने में जिसका नाम है राजर्षि भीष्म भीष्म अपने स्थान से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते है। उस महापुरुष के अंतकरण में इन पांडवों को लेकर के अपने कुल के कीर्ति के संवर्धन की अनेक अनेक आशाएं थी ये सारी आशाएं धूल में मिल गई ऐसा कैसे हो सका भीष्म बहुत रोए समझाने के लिए विदुर जी जाते थे वो भी साथ में थोड़ा रोते थे अब जब विदुर जी ने देखा कि भीष्म का शोक बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है तो एक दिन विदुर जी ने एकांत में चुपचाप कहा दादाजी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपके प्यारे पांडव जीवित हैं है? क्या बोलते हो फिर विदुर जी ने सारी बात बताई तो भीष्म चिढ़ गए विदुर तुम्हें सब कुछ पता था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया विदुर जी ने भीष्म पक पकड़ करके कहा राजनीति मैंने आपसे ही सीखी थी किस बात को कितने अनुपात में डिस्क्लोज करना और कितना ढक्कर के रखना ये जिसको पता नहीं है वो कैसे राजनीति करेगा सारी बातों का प्रचार करके सब बातें की जाती है क्या सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रचार किया जाता है क्या ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं अरे इट इज डन एंड गॉन फिर आप लोग रोते रहो अब सबको आनंद हुआ भीष्म ने स्वयं आगे बढ़कर के एक काम करने का निश्चय किया उनका दृष्टिकोण यह है कि यह पापी कौरव इतने निचले स्तर पर उतर आए हैं कि पांडवों को और पांडवों की मां को भी जलाने में इनको कोई शर्म नहीं आती डर नहीं लगता पाप भी रुता नहीं है चलो इस समय तो पांडव बच गए लेकिन ये कुरापात रोज चलते रहना ठीक नहीं इसको समय से बंद करना चाहिए इसका एक ही उपाय हो सकता है अब राज्य का विभाजन करना चाहिए बंटवारा कर दिया जाए आप उधर रहिए आप उधर रहिए आपको जो करना है कीजिए इसमें भी धुतराष्ट्र ने एक चाल चली जितनी अच्छी अच्छी भूमि थी वो अपने पास रखी और जो बंजर भूमि थी वो सारी की सारी पांडवों के लिए निश्चित करके रखी और धर्मराज को बुलाया का युधिष्ठिर दादाजी ने और हम सब लोगों ने ऐसा सोचा है अब आप अलग अलग रह करके और अपना अपना स्वतंत्र राज करेंगे तो अच्छा युधिष्ठिर ने कहा जीत जी युधिष्ठिर का तो जीवन भर का मंत्र ये जीत जी जीत जी भीमसेन अर्जुना ने सोचा अरे बंजर तो बंजर लेकिन स्वतंत्र रहेंगे वहां अपने पुरुषार्थ के लिए कोई स्कोप है हस्तनापुर के लोगों को अत्यंत दुख हुआ इंद्र प्रस्थव प्रस्थ वारणावत आदि जितना भी भाग है वो आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया पांडवों ने उसके लिए प्रस्थान किया इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और पांडवों का पुरुषार्थ परिश्रम और भगवान श्री कृष्ण का परामर्श इन दोनों के बल पर इसका विकास आरंभ हुआ विकास तो आरंभ हुआ लेकिन एक दिन एक बहु बड़े मेहमान पधारे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारद जी महाराज पधारे देवर्षि नारद जी के व्यक्तित्व को हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं कभी नहीं समझा हम लोगों को तो नारद जी का नाम आते ऐसे लगता है बस इधर की उधर उधर की उधर करने वाला लेकिन आपको बता दूं। उग्रसेन जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज संपूर्ण के में मुझे नारद जी जैसा पूज्य और लोकप्रिय कोई दिखता नहीं पूज्यत्व और लोकप्रियत्व ये एक जगह नहीं आता है सामान्यतया हम लोगों को जो पूज्य होते हैं ना उनके सामने हम जाते हैं प्रणाम करते हैं प्रसाद लेते हैं और वहां से कटते हैं और जो प्रिय होते हैं ना उनको स्क्रीन पर दिन भर देखते रहते हैं प्रियत्व अलग है पूज्यत्व अलग है ये दोनों इकट्ठा होना बड़ा कठिन है हमारे सभी ऋषियों में नारद जी की यह विशेषता है कि वे अपने ज्ञान के कारण चरित्र के कारण प्रगलभता के कारण सबसे पूज्य जाए लेकिन अपने लोक व्यवहार के कारण सब में प्रिय है घुल मिलते हैं छोटे बालकों में महिला मंडलों में महात्माओं में राजाओं में कहीं पर भी और उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है मैं तो अपने शब्दों में उनको कॉस्मिक मीडिया पर्सन कॉस्मिक मीडिया सुप्रीमो जो किसी को पता नहीं उनको पता है अरे और तो और अब भगवान श्री कृष्ण का पोता खो गया भगवान को वो खो गया यही पता नहीं अब परिवार इतना बड़ा है सोलह हजार अच्छा उनको समय कहाँ है दुनिया भर का प्रपंच संभालना इधर भाग उधर भाग उधर भाग अनिरुद्ध खो गया ये नारद जी ने आकर के बताया तब पता लगा महाराज संसार आप करते हैं हिसाब हम रखते हैं भगवान श्री कृष्ण इसलिए नारद जी के बारे में बोलते समय कहते हैं ये महाभारत की बात बीस श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने शांति पर्व में नारद जी का वर्णन किया है तस्मात सर्वत्र पूजिता तस्मात सर्वत्र पूजिता नारद जी जैसा कोई पूज्य नहीं भक्ति के प्रचारक को अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए इसके सर्वोच्च आदर्श देवर्षि नारद जी है उनकी सादगी पर मत जाइए वो सादी भाषा का प्रयोग करते हैं कभी हंसते हैं कभी हंसाते हैं इस पर मत जाइए ये सब लोग का व्यवहार के लिए है क्योंकि आप सिंपल नहीं लगेंगे तो लोग आपके पास आएंगे ही नहीं यू मस्ट अपियर अप्रोचेबल कुछ लोग इतने गंभीर होते हैं कि लोग उनके पास जाने से डरते हैं। वे लोग समाज में काम नहीं कर सकते अध्यात्म में कितना भी ऊंचा हो सकते हैं। जिसको समाज में परिवर्तन लाना है उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए नारद जी महाराज इसके आदर्श हैं। चलो नारद जी महाराज आए पांडवों ने उनका स्वागत किया स्वागत हुआ पूजन हुआ सब कुछ हुआ फिर एकांत में बैठे नारद जी ने कहा मैं एक खास बात से आया हूं पांचों पांडव बैठे हैं कुंती माता बैठी है द्रौपदी बैठी है इट्स क्लोज डोर मीटिंग और कोई नहीं है नारद जी ने कहा ध्यान रखना आपका उत्कर्ष अब आरंभ हुआ है संकट के दिन समाप्त तो हो गए और अब आपका उत्कर्ष सारा संसार देखता रहेगा लेकिन इस उत्कर्ष में आपने एक कठिनाई खड़ी कर दी आपके उत्कर्ष का कारण आपका संगठन है एकत्व है और इस एकत्व को तोड़ने वाला नष्ट करने वाला एक नया तत्व आप में घुस गया है उसका नाम है द्रौपदी अत्यंत प्रेम करने वालों में भी महिलाओं के कारण झगड़े हो जाते हैं संसार में कहीं पर भी ध्यान रखना कलह के चार ही कारण होते हैं एक है जमीन एक है जायदाद एक है जोरू माने पत्नी और चौथा है जुबान पांचवा कारण नहीं है झगड़ों का या तो संपत्ति के लिए होंगे या भूमि के लिए होंगे या महिलाओं के कारण होंगे या किसी का अपमान हमने किया उन शब्दों के कारण होंगे तीन बातों को छोड़ देते हैं नारद जी ने कहा इस एक द्रौपदी के कारण आप में कलह हो सकता है इसको ध्यान रखना और इस भ्रम में कभी मत रहना कि हमारा आपस में प्रेम इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है हम कभी आपस में टूट नहीं सकते फूट नहीं सकते एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है डोट सिली थिंग्स ये सब बातें मुझसे मत करो जब बैर निर्माण होता है तो सारी बातें नष्ट हो जाती है और फिर नारजी जी ने क्या किया एक सुंदर कहानी सुनाई और लंबी कहानी नारद जी के पास कहानियां भी बहुत है और समय भी है मेरे पास समय भी नहीं है तो जी ने जो सुनाया मैं थोड़े में बतला देता हूं कहानी क्या थी सुंदर उपसुंदर नाम के दो भाई आपस में बड़ा प्रेम ब्रह्मा जी से वरदान पाया क्या मरेंगे तो एक दूसरे के हाथ से ही मरेंगे अब उनका इतना प्रेम था कि वे एक दूसरे को कभी मारने वाले ही नहीं एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार जब उन्होंने सबको बड़ा सताना आरंभ किया तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने कहा उसकी चाबी मेरे पास है चिंता मत करो और जहां पर सुंदर उपसुंद थे ब्रह्मा जी ने एक कन्या को भेज दिया उसका नाम तिलोत्तमा सारे संसार के सुंदर पदार्थों से तिल तिल पदार्थ इकट्ठा करके ब्रह्मा जी ने वो ऐसा केमिकल बनाया कि उससे कोई भी व्याकुल हो जाए तिलोत्तमा को देखा और सुंदर दौड़ा ये मेरी पत्नी होगी उपसुंद ने कहा नहीं, नहीं मेरी होगी सुंदर कहता है कि तुम्हारी भाभी होगी मेरी पत्नी अब उसको लेकर के जो झगड़ा हुआ अब ये तिलोत्तमा क्या करती है कभी इसकी ओर देख करके मुस्कराती है कभी उसकी ओर देख करके मुस्कुराती है उन दोनों में इतना आवेश भर गया दोनों ने गदाएं उठा ली और गदाओं का प्रहार करते हुए एक दूसरों का कचुबन निकाल दिया खत्म एक दूसरे के लिए प्राण देने वाले दोनों भाई एक दूसरे के प्राण लेवा हो गए इस तिलोत्तमा के कारण नारद जी की कहानी का तात्पर्य ध्यान में रखिए नारद जी ने कहा इसलिए आप मेरे सामने ये डिंग मत हाकना कि हमारा बड़ा प्रेम है ऐसा प्रेम है वैसा प्रेम है ये सब प्रेम ठिकाने लग जाता है पांचों पांडव हाथ जोड़ करके बैठे हैं धर्मराज ने पूछा तब क्या करना चाहिए नारद जी ने कहा वही बतलाने के लिए आया हूं द्रौपदी का विवाह पांचों के साथ हुआ है ये ठीक है लेकिन हर व्यक्ति को आप में से हर व्यक्ति को द्रौपदी की ओर अपनी पत्नी के रूप में केवल एक वर्ष में दो महीने बारह दिन तक ही देखना चाहिए समय का विभाजन कर लो पांचों पांडवों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके इस बात का स्वीकार किया ने कहा इतना ही नहीं अगली बात सुनो पति पत्नी के रूप में द्रौपदी का व्यवहार एक एक के साथ दो महीने और बारह दिन का वर्ष में रहेगा लेकिन जिस समय द्रौपदी अन्य भाई के पास है अथवा अन्य भाई उसके अंतपुर में है उस समय यदि किसी ने वहां पर प्रवेश कर लिया तो उसे बारह वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा हर विधि के साथ एक पनिशमेंट भी होनी चाहिए तभी उसका पालन होता है जिस दिन महात्मा गांधी जी की प्रार्थना करना वे भूल जाते थे भोजन नहीं करते थे कहीं ना कहीं एक दंड भी होना चाहिए विशेष बात मुझे आपको यह बतलानी है कि पांडवों ने और द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके इस बात का स्वीकार किया बिना किसी झिकझिक के पांडवों के स्थान पर हम लोग होते तो क्या करते है? सोचो अरे ये हमारे पर्सनल लाइफ की बात है यार आप क्या कोई इंटरफियर करते हैं यही बोलते कि नहीं बोलो जीवन में अपने को सबसे ऊंचा मानना अपने को सर्वज्ञ मानना और लोकसंग्रही अत्यंत ज्ञानी निस्वार्थ सत्पुरुषों के सामने भी अपना अहंकार रखना इसके कारण मनुष्य का पतन होता है पांडवों में यह दोष नहीं है पांडवों ने उनकी बात को स्वीकार किया आगे आप देखेंगे कौरव में बिल्कुल ठीक इसके विपरीत बात है मैत्रेय मुनि दुर्योधन से केवल इतना कहते हैं कि अरे इतना वैर नहीं रखना चाहिए युद्ध करना अच्छा नहीं है दुर्योधन ने मैत्रेय मुनि के सामने अपनी जंगा को ठोक करके दिखाया चिड़ गए मैत्रेय का पापी तुम मेरे सामने जंगा ठोकते हो यही जंगा तुम्हारी टूटेगी अरे दुर्योधन के स्थान पर कोई कॉमन सेंस वाला भी आदमी होता तो क्या कहता है जी महाराज मैं प्रयास करूंगा पांडवों की विनयशीलता देखो कौरवों की उद्दंडता देखो यह संस्कारों का परिणाम है चलो जी महाराज ने नियम लगा दिया पांडवों ने उसका आजीवन पालन किया इसके बीच में गट एक घटना घट गई एकदम एक ब्राह्मण देवता दौड़ते हुए आए अपराह की बेलाती बचाइए 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 एकदम चिल्लाते हुए आए तो पांचों पांडवों में अर्जुन सबसे पहले बाहर आए सावधानता देखिए अर्जुन सबसे बाहर आए पहले पूछा क्या महाराज क्या हो गया क्या क्या हो गया अरे सारे चोर मेरी गौं को लेकर के चले गए चोरों ने मेरी गौं का अपहरण किया मेरी गऊ में मेरे प्राण है मैं तो बचूंगा नहीं मेरी गौं को ला करके अब वो ब्राह्मण देवता जब रोते तब ऐसा ही कुछ भी करते हैं अर्जुन ने कहा थोड़ा रुके शांति से मुझे किस दिशा में वो गए हैं अर्जुन के एकदम ध्यान में आया इन चोरों का पीछा करने के लिए और उनसे लोहा लेने के लिए जो शस्त्र मेरे पास चाहिए मेरे शस्त्र इस समय द्रौपदी के अंतपुर में और द्रौपदी के अंतपुर में इस समय धर्मराज बैठे हैं अब देखो अर्जुन के सामने दो ऑप्शन है अर्जुन के स्थान पर हम होते तो यही कहते कि महाराज सॉरी मैं बहुत चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ करूं लेकिन कैसे करूं मेरे शस्त्र भीतर है और शस्त्रों को लाने के लिए मैं घुस जाता हूं तो मुझे बारह वर्ष का वनवास है मैं क्या करूं अर्जुन के अंतकरण की दया की भावना देखो अर्जुन के अंतकरण की धर्म की भावना देखो यू ही अर्जुन भगवान के प्रिय नहीं है अर्जुन ने ब्राह्मण का रुदन देखा वो बार बार बोल रहा है कि मैं तो प्राण दे दूंगा मैं तो प्राण दे दूंगा अर्जुन ने कहा महाराज आप प्राण मत दीजिए मैं जाता हूं सीधे अर्जुन अंतपुर में जाते हैं द्रौपदी के वहां से अपने शस्त्रों को लेकर के आ जाते हैं धर्मराज द्रौपदी के साथ बातचीत करते बैठे हैं तुरंत द्र... अर्जुन चोरों का पीछा करते हैं उनको मारते और भगाते हैं गौं को लेकर के वापिस आ जाते हैं ब्राह्मण देवता ने उन गौं को वापिस पाया तो बड़े राजी हो गए वाह 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 तुम्हारा कल्याण हो पार्थ अर्जुन तुम्हारा भला हो भगवान तुम्हें बहुत बहुत बहुत, बहुत।, बहुत।, बहुत। ब्राह्मण देवता जब बोले भाले आशीर्वाद देते तो इसी प्रकार से देते अर्जुन मन में कह रहा था महाराज आशीर्वाद तो आपने मुझे कल्याण के लिए दिया लेकिन मेरे सामने बारह वर्ष का वनवास है अभी वो भुगतना पड़ेगा और अर्जुन ने जब ये बात अपने भाइयों से कही कि मुझसे प्रमाद हुआ है मुझे बारह वर्षों के वनवास की सजा ग्रहण करनी चाहिए धर्मराज ने इस बात को उड़ा दिया धर्मराज ने कहा नहीं अर्जुन हम तो केवल बातचीत करते बैठे थे और वैसे भी बड़े भाई के एकांत में छोटे भाई का प्रवेश आक्षेपार नहीं होता है छोटे भाई के एकांत में बड़े का प्रवेश आक्षेपार है चारों भाइयों ने अर्जुन को यह समझाया कि आपने कोई नियम का भंग नहीं किया है अर्जुन की धर्मनिष्ठा देखो अर्जुन ने कहा मेरे मेरे ऊपर आपका जो प्रेम है उसके कारण आप लोग इस प्रकार की बात करते हैं लेकिन जब मैंने गलत काम किया है नियम का भंग मुझसे हुआ है तो सजा मुझे ग्रहण करनी चाहिए अर्जुन डिगा नहीं एक नियम बनाया उस नियम का पालन क्षरशाह कैसे करना चाहिए यह शिक्षा प्रदान करने वाले अनेक महापुरुषों के जीवन है अर्जुन उसमें भी अग्रगण्य है बड़ा दुख हुआ चारों भाइयों को बहुत दुख हुआ द्रौपदी को लेकिन अर्जुन बारह वर्ष के वनवास का व्रत लेकर के चले गए दंड को ग्रहण किया एक्सक्यूज नहीं दिया जबकि चारों भाई नहीं चाहते हैं नारद जी को वचन दिया है उसको पूरा करना चाहिए अर्जुन चले अब मौज की बात तो यह है कि बारह वर्षों में अर्जुन ने तीर्थ यात्रा की पहला लाभ अर्जुन का यह हुआ कि आसे तो हिमाचल तीर्थ यात्रा करने वाला यह एकमात्र पांडव है बारह वर्ष का वनवास मिल गया शहरों में जाना नहीं है राजनीति करना नहीं है तीर्थ यात्रा में समय व्यतीत किया उपासनाएं की तपस्याएं की तो साधन हो गया और बहुत बड़ी बात यह हो गई ब्राह्मण ने कहा था कल्याण होगा कल्याण होगा अरे तीन विवाह हो गए अर्जुन के इस बारह वर्ष की अवधि में नागकन्या उलूपी के साथ एक विवाह हुआ मणिपुर की राजकन्या चित्रांगदा के साथ एक विवाह हुआ और तीसरा विवाह अर्जुन ने गुजरात में आकर के किया अर्जुन का आगमन द्वारका के समीप हुआ रेवतक पर्वत के ऊपर अर्जुन का निवास है सामान्य साधुवेश में है अब यात्रा ही करनी है तो सामान्य साधुवेश उसका है भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए गए वैसे भी एक मेले का प्रसंग था और वहां पर आई हुई सुभद्रा को अर्जुन ने देखा अर्जुन सुभद्रा की ओर टकटकी लगा करके देख रहा है ये देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसकी ओर देख रहे हो तो अर्जुन चौंक गया भगवान ने कहा मेरी बहन है पता है कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान है उन्होंने कहा तुम्हें पसंद है क्या बोलो विवाह करना है अर्जुन कुछ नहीं बोले भगवान ने कहा यदि सुभद्रा से तुम्हें विवाह करने की इच्छा हो पार्थ तो, तो सन्यास लेना पड़ेगा पार्थ ने कहा सन्यास भगवान ने कहा अरे सन्यास का ड्रामा और अब यह बात इतनी लंबी बढ़ाई जा सकती है क्या बताओ इसके ऊपर हमारे साहित्य को ने बहुत सुंदर लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को त्रिदंडी सन्यासी का रूप दिया उनके प्रचारक स्वयं बन गए बाबा लोगों के भी कुछ खास खास प्रचारक होते हैं वे उनको बड़ा बनाते हैं पता है पता है ऐसा करके सब प्यारो भगवान श्री कृष्ण स्वयं पर्दे के पीछे रहकर के प्रचार करते हैं बलराम जी महाराज के कानों पर उनकी कीर्ति चली जाए ऐसी सारी व्यवस्था हो गई तो बलराम जी ने भगवान से कहा एक दिन कह रहे मैंने सुना है कि रेवतक पर्वत के ऊपर एक बहुत महात्मा बहुत श्रेष्ठ महात्मा पधारे हैं। कल मैं उनके दर्शन के लिए जाने वाला हूं तुम भी चल सकते हो तो चलो जरूर कृष्ण भगवान ने कहा मेरे पास समय नहीं है बलराम जी ने कहा सारे संसार का ऊंदा सुंदा करने का समय तुम्हारे पास है परमार्थ के लिए समय नहीं भगवान मन में हंस रहे थे भगवान ने कहा देखो भैया आपको जाना है तो मैंने नहीं तो नहीं कहा मुझे सब बाबा लोगों का विश्वास विश्वास नहीं है मैं तो जाने वाला हूं बलराम जी ने कहा नहीं आना है तो मत आओ, संतों की निंदा मत करो समझे मैं तो जाने वाला हूं भगवान ने कहा जाओ और भगवान ने अर्जुन के पास समाचार भेज दिए कल भैया आ रहे हैं ड्रामा बढ़िया होना चाहिए और जब बलराम जी महाराज दर्शन के लिए गए हैं तो अर्जुन नाम के उस त्रिगंडी सन्यासी ने ऐसा सुंदर नाटक किया महान संत बनने का बलराम जी वैसे बोले थे बड़े अभिभूत हो गए और आकर के कृष्ण भगवान के पास उसकी स्तुति करने लगे कि अरे इतने महात्मा देखे मैंने ऐसा तो कोई देखा ही नहीं इतना बढ़िया इतना और तुम तो दर्शन के लिए आए नहीं तुम भी उनके दर्शन से वंचित न रह जाओ इसके लिए मैंने उन्हें निमंत्रित किया है कल भोजन के लिए यहां तो भी दर्शन कर लेना भगवान दारिकाधीज बोले भैया वो महाराज को यहां पर भोजन के लिए आपने निमंत्रित किया आपने विचार नहीं किया कि अपने घर में अपनी जान जवान बहन भी है। अरे तुम क्या बात करते हो कन्हैया कर बलराम जी महाराज और चे और दूसरे दिन जब महाराज पधारे हैं भोजन के लिए महाराज कौन है कृष्ण भगवान को पता है बलराम जी को पता नहीं है और वहां पर सुभद्रा को देख करके अर्जुन ठीक से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं और बलराम जी को लग रहा है कैसे वीतराग महात्मा है इनका तो स्वाद की ओर कोई ध्यान ही नहीं है चलो महात्मा जी गए उसके बाद भगवान ने एक जब मेला लगा हुआ था सुभद्रा से कह दिया चली जाओ अर्जुन के साथ और रथ में बैठ करके अर्जुन सुभद्रा को ले गए भगवान श्री कृष्ण की वर्किंग स्टाइल कैसी है ये मुझे आपको दिखाना है अब ये सब भगवान ने कराया किसी को पता नहीं है कि यह भगवान ने कराया एक सन्यासी महाराज सुभद्रा जी को लेकर के चले गए इतना बड़ा तहलका मच गया यादवों की व्यवस्था ऐसी थी कि विशिष्ट प्रकार के नगाड़े जब बजते थे तो उसका संकेत होता था कि युद्ध की बेला आ गई है तैयार होकर के आ जाओ उन नगाड़ों को बजाया गया तो सारे योद्धा युद्ध का वेश धारण करके आए उनके प्रमुख इकट्ठे बैठ गए अब क्या करना चाहिए इसका विचार करने के लिए और बलराम जी ने पहला भाषण किया कि एक सन्यासी ने हमारी बहन को यहां से भगाया है उसका पीछा करना चाहिए उसे दिखे मां खत्म करना चाहिए मेरी बहन को मुक्त करना चाहिए सबके चेहरे लाल भगवान शांति से बैठे थे सात्विकी ने उठ करके कहा लेकिन केशव क्यों नहीं बोल रहे हैं इतने शांत तो मैंने उनको कभी देखा नहीं था तब भगवान ने कहा मेरी बात कोई सुनने वाला हो तो बोलो। सबने कहा बोलिए जल्दी बोलिए उठ करके भगवान ने कहा जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार बड़े भैया है मैं पहले से इनसे कह रहा था कि उस साधु को घर में मतला अब देखो ये ले आए अच्छा अब ये नौबत आ गई है आप उसका पीछा करना चाहते हैं उसको मारना चाहते हैं आपने तलाश की है क्या कि वो कौन है मैं तो पहले से तलाश में रहा हूं, हूं कि वो है कौन मेरे पास पूरी जानकारी है आपको पता होना चाहिए कि वो अर्जुन है और ध्यान में यह रखना आप अर्जुन का पीछा करेंगे और अर्जुन ने पीछे मुड़कर आप के आपके साथ युद्ध करना आरंभ किया तो आप में से कौन बचने वाला है सोच करके आगे जाना लेने के देने पर जाएंगे बदनाम आप होंगे अरे फिर करना क्या चाहिए अभी लोगों ने पूछा सुनो ना मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सुभद्रा का कहीं ना कहीं तो विवाह करना है फिर अर्जुन में क्या कमी है किसी प्रकार की कमी जिसमें है नहीं इतने धर्मशील और अत्यंत शूर अर्जुन को यदि सुभद्रा प्रिय है और वह उनको ले जाना चाहते हैं और सुभद्रा को भी यदि अर्जुन से प्रेम है और वे विवाह करना चाहते हैं तो उनको करने देना चाहिए अब आप लोग यह कहेंगे कि उसने भगा करके क्यों ले जाने का काम किया अरे क्षत्रियो में पद्धति है भाई मैं भी रुक्मणी को जब लेकर के आया तो भगा करके ही लाया था ना उस समय तो बलराम जी महाराज मेरे साथ में थे पूछो थे कि नहीं भगवान की स्टाइल क्या है देखो समस्या अलग अलग प्रकार की होती है बलराम जी महाराज चाहते यह है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के घर में हो उनको दुर्योधन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पहले से क्योंकि दुर्योधन उनका चेला है। मिथिला में दुर्योधन ने कुछ महीने रहकर के बलराम जी के पास गदायुद्ध की शिक्षा पाई है और दुर्योधन की एक विशेषता है वो जब उनको बुलाता है तो उनकी, उनकी इतनी बड़ी पूजा करता है ऐसे बड़ा शो करता है तो लोगों को अच्छा लगता है बलराम जी महाराज भोले वो चाहते हैं कि सुधरा का विवाह दुर्योधन के घर में हो भगवान जानते हैं कि वो पापी है उसके घर में अपनी बहन को कभी देना नहीं चाहिए लेकिन ये बात जब घर में चलती है तो बलराम जी महाराज कहते हैं बड़ा कौन है घर में मेरी बात चलेगी अब ये दादागिरी घर में चलती है <coughs> यादवों की मीटिंग में दादागिरी नहीं चलती इसलिए भगवान उस इश्यू को पब्लिक बनाते हैं और बलराम जी को कॉर्नर करके अकेला कर देते हैं ऑल अगेंस्ट वन इस प्रकार की सिचुएशन भगवान बलराम जी की अनेक बार की है नॉट वन टाइम नॉट वंस बलराम जी कुछ, को कुछ बोलना नहीं बना नहीं, नहीं दाओ भैया बोलिए ना आप साथ में थे कि नहीं मेरे रुक्मणी को भी मैं भगा करके लाया था उस समय मेरी रक्षा के लिए आप साथ में थे हमारे क्षत्रियो में यह प्रशस्त पद्धति है इसका कोई भी निषेध नहीं करते हैं तो फिर अर्जुन ने यह किया इसलिए इसका निषेध करने में क्या मतलब है सातिकी ने पूछा बिल्कुल ठीक बात है आपकी लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए बोलो ना भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे तो ऐसे लगता है कि दोनों को जाकर के बुला करके लाना चाहिए और दोनों का शुभ मंगल करके द्वारिका से उनको विवाह करके विदा करना चाहिए हाँ लेकिन दाऊ भैया का क्या मत है दाऊ भैया ने कहा आपको जो करना है करो यही भगवान कहलवाना चाहते थे दिस इज इज वर्किंग स्टाइल देखो समस्याओं को ध्यान में लेकर के उस प्रकार के उसके उपाय खोजने पड़ते हैं घिसे पिटे उपायों से जीवन के सारे काम होते नहीं है यह प्रसंग हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि अर्जुन और सुभद्रा का ही वंश केवल आगे चला है इसी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हुए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए और परीक्षित के पुत्र जन्मे जय हुए बाकी सब के वंश समाप्त तो हो गए केवल यह एक वंश चला है जो पांडवों का कहलाया और इस वंश का मातृस्थान गुजरात है महात्मा विषम पायन महाराज वर्णन करते हैं सुभद्रा को लेकर के अर्जुन लौट करके आए सभी ने आनंद मनाया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अर्जुन के आने से पुनः इंद्रप्रस्थ में बड़ा आनंदोत्सव मनाया गया बारह वर्ष अर्जुन के पूरे हो गए सुभद्रा जी को लेकर के वे आए किसी को फेस करना अर्जुन को कठिन नहीं लगता है लेकिन सुभद्रा जी को लाने के बाद द्रौपदी को फेस करना कठिन लगता है काल्पनिक नहीं महाभारत का वर्णन सुनाता हूं अर्जुन को पता है कि मैंने नया विवाह किया है और सुभद्रा को लेकर के मैं घर पर जा रहा हूं तो द्रौपदी का टॉन्टिंग तो मुझे सुनना ही पड़ेगा यह स्त्री स्वभाव है और जैसे ही अर्जुन गया पहले अर्जुन द्रौपदी के पास अकेले जाते हैं सारी वार्ताएं द्रौपदी के कानों पर तो आई है मिलते ही पहला वाक्य क्या है द्रौपदी का क्या को आए? हम आपके कौन होते हैं आपने भी सुना होगा कि भी ये सब वहीं जाइए तत्रैव गच्छ कौन्तेय तत्रैव गच्छ कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मजा जाओ ना वहीं पर यहां पर क्या है अर्जुन को पता था कि ये गोला बारूद सब तैयार है तो क्या आगे जाना ही है लेकिन वो भी भगवान कृष्ण का चेला है ना उसने अपनी तो बातचीत पूरी कर ली लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है देखो महाभारत लोक शिक्षा का सर्वश सर्वादुत ग्रंथ है अर्जुन ने स्वयं सुभद्रा से कहा कि देखो सुभद्रे मुझे अन्य किसी की परवाह नहीं है लेकिन हम सब में सर्वाधिक शार्प द्रौपदी है यदि तुम उनके सामने पहली बार ठीक से चली जाती हो तुम्हारी एंट्री ठीक होती है तो सब अच्छा है और इसलिए क्या करना चाहिए अर्जुन ने सुभद्रा को ट्रेन किया जो सूचनाएं दी मैं आपको बतलाता हूं ये अर्जुन ने कहा है सब अर्जुन ने कहा जब तुम द्रौपदी से पहली बार मिलने जाओगी तो सादे से सादे कपड़े पहन करके जाना किसी भी स्त्री को अपने से ज्यादा सजी हुई स्त्री सुहाती है धन्यवाद कोई ज्यादा ही बढ़िया कपड़े धारण करके आ गई और बहुत सारा श्रृंगार करके आ गई और बहुत सारे जेवर भी धारण करके आ गई ना तो उसके सामने तो हम स्माइली जैसा स्माइल करते हैं उसकी जाने के बाद जो मुंह बनाते हैं वो दूसरा है दिस इज साइकोलॉजी आज मुझे हमारे पूज्य स्वामी मुदित वक्तरा मुदित ंद जी महाराज ने मुझे तो जी महाराज ने एक सुंदर क्ल्यू दिया उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज रोज रात्रि में महाभारत की कथा करते थे इन सन्यासियों के सामने और यह कहते थे कि महाभारत इज द गोल्ड माइन ऑफ साइकोलॉजी दैट्स वेरी वेरी ट्रू ऐसा कहने वाला कोई महात्मा इस देश में रहा इसका मुझे बड़ा आनंद आज हुआ यह मुझे आज पता चला धन्यवाद महाराज अब देखिए साइकोलॉजी अर्जुन ने सुभद्रा से कहा तुम सबसे बढ़िया तो बात यह है कि गोपीवेश में जाओ अत्यावश्यक जितना अलंकार उतना धारण करो कहीं पर भी ऑफिस में बॉस से ज्यादा भारी कपड़े डाल करके आया धारण करके आया हुआ व्यक्ति बॉस को अच्छा नहीं लगता यह सामान्य नीति है इसलिए कहां पर जाते समय हमारे कपड़े कितने सौम्य होने चाहिए यह भी एक बड़ी विशेष बात है दूसरी बात अर्जुन ने कही जाते ही तुम उसके पग पक पकड़ लेना और ये कहना कि दीदी मैं तुम्हारी छोटी बहन के रूप में तुम्हारी आजीवन सेवा करने के लिए आई हूं लेकिन मैं अज्ञानी हूं मैं कुछ जानती नहीं हूं मुझे संभालना बस इतना तुम करो और ये सुभद्रा ने यह ये किया आते ही गोपवेश में सामान्य वेश में, सामान में आकर के सुभद्रा ने जैसे ही द्रौपदी के पग पक पकड़ लिए और उसे यह कहा कि मैं एक अनजान आपकी छोटी बहन आपकी शरण में आई हूं आपकी आजीवन सेवा करने के लिए मुझे संभालना द्रौपदी ने उठा करके उसे आलिंगन में भर लिया तुम चिंता मत करो तुम मेरी हो हाउ टू विन दार्ट सबसे पहले मनुष्य को यह आना चाहिए कि सामने वाले के हृदय में मैं प्रवेश कैसे कर सकता हूं हमारे समर्थ रामदास स्वामी महाराज कहते हैं आदि अंतर हाथी घावे मगर हड़ु हड़ू कलावे महात्मा पायन जी महाराज वर्णन करते हैं राजन इसके पश्चात इंद्रपस्थ को राजधानी बना करके और प्रदेश के विकास का काम आरंभ किया गया आप जानते हैं कि इंद्रपस्थ को ध्यान रखना आज भी हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली है उसकी स्थापना पांडवों ने की है पांडवों की वो पहली राजधानी है। इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही मूल नाम है हस्तनापुर अलग है वो हरियाणा में है यह विस्तार जब करना है तो भगवान श्री कृष्ण बार बार आते हैं और इस विकास के लिए वहां के वनों को हटाना आवश्यक जब हो गया तब खांडा उदाह का बड़ा एक विलक्षण प्रसंग यहां पर खड़ा हो गया उन वनों को जलाया गया यह जलाना केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शौर्य से ही संभव था क्योंकि देवराज इंद्र से जलने देना नहीं चाहते थे संघर्ष आज भी चलता है विकास करने वाले लोगों को जंगल तोड़ने पड़ते हैं और जो फॉरेस्ट वाले ऑफिसर फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं वो कहते जंगल नहीं तोड़ने देंगे आपका रास्ता उधर से ले जाओ आज भी सब जगह है वी आर फेसिंग दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक है अरण्य बचने चाहिए पाली पाली से कभी ध्यान देना पड़ता है अरण्यों की ओर तो कभी ध्यान देना पड़ता है विकास की ओर अब इस सारी हलचल में भगवान श्रीकृष्ण ने भी निश्चित कर लिया कि इन वनों को तो जलाना चाहिए खांडव दाह के इस प्रसंग में अग्नि को तृप्त किया गया अग्नि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से प्रसन्न होकर के एक बात कही अग्नि ने कहा मैं आपको वरदान देना चाहता हूं आप क्या वरदान चाहेंगे अर्जुन ने कहा अग्नि नारायण मुझे दिव्यास्त्र चाहिए अग्नि ने कहा मैं गांडी धनुष आपको देता हूं प्रादाच रत्नम क्षयमेश दिव्या कपिप्रवरकेतनम उत्तम रथ दिया अग्नि ने अर्जुन को गांडी धनुष दिया और जिसके बाण कभी समाप्त नहीं हो गए ऐसा तुनीर दिया दिव्य कवच दिया और योद्धा है उसने यह मांगा उसको यह मिला में जो प्राप्त होने हैं पार्थ यह भगवान महादेव जी की कृपा से तुम्हें प्राप्त होंगे आशीर्वाद भी अग्नि ने दिया यह सब बात ठीक है अग्नि ने भगवान कृष्ण से पूछा आप क्या चाहते हैं अब देखो भगवान द्वारिकाधीश ने अग्नि से क्या वरदान मांगा होगा बोलो कृष्ण भगवान वरदान मांगने वाले क्या मांगेंगे कृष्ण भगवान ने जो वरदान मांगा सुन लो भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ करके अग्नि से कहा हे hey, अग्नि नारायण यदि आप मुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि अर्जुन की और मेरी मैत्री अखंड रहेगी वह कभी भी टूटेगी मुझे अर्जुन चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए यह कौन मांग रहा है यह भगवान श्री कृष्ण मांग रहे हैं हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए अर्जुन कितना अमूल्य है अर्जुन की पर्सनालिटी अर्जुन की गुणवत्ता अरे कोई किसी को प्रिय होता है वो किसी कारण से होता है के गुणों के कारण विशेषता प्रिय होता है अर्जुन के गुणों का यह परिणाम था कि भगवान श्री कृष्ण भी चाहते थे कि अर्जुन की और मेरी मैत्री अखंड रहे इसमें किसी प्रकार का व्यवधान निर्माण न हो वासुदेव मूल शब्द सुनिए वासुदेव प्रीतिम पार्थे न शाश्वती अग्नि ने और इंद्र ने मिलकर के ये वरदान कृष्ण भगवान को दिया ठाकुर रामकृष्ण देव एक बात कहा करते थे बड़ी सुंदर बात वे कहा करते थे कि आपको मुख्य प्र, प्रयास इसलिए करना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व अनेक अनेक सद्गुणों से निखरता जाए वो सद्गुणों से निखरता जाएगा तो संसार के महापुरुषों को आप अपने आप प्रिय लगेंगे उनकी भाषा में बोलना है तो वे बोला करते थे कमल को अपना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है कमल को केवल खिलना होता है और जब वो खिलता है तो भ्रमर उसके पास अपने आप चले आते हैं अपने जीवन को कमल की तरह सदगुणों की सुगंधी से खिलाओ यही साधना है अगड़म बगड़म केवल जप जाप्य और व्रतादिकों से साधन नहीं होता है साधन होता है सदगुणों के संवर्धन से गीता में पांच स्थानों पर इसलिए सदगुणों की सूचियां दी गई है खांडवदाह के इस प्रकरण में से मयासुर को जीवित निकलने का मौका भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कृपा से मिल गया यह मयासुर बहुत बड़ा शिल्पी है हमारे देश में उस समय आर्किटेक्चर की दो स्कूल्स थी एक विश्वकर्मा स्कूल और एक मय स्कूल ये दो धाराएं हैं आर्किटेक्चर की है। आज भी आप साउथ अमेरिका में मायन कल्चर मायन कल्चर नाम से कुछ सुनते होंगे ये मायन कल्चर और कुछ नहीं है मय कल्चर विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी हैं और ये मयासुर दैत्यों के शिल्पी है दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं इस मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और धर्मराज से प्रार्थना की कितने बड़े संकट में से आपने मुझे जीवन दान दिया मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं मुझे क्या करना चाहिए आप आज्ञा कीजिए तो से कहा गया केंद्रप्रस्थ की राजधानी पांडवों की मुख्य नगरी है पांडवों के इस नगर में पांडवों की कीर्ति को वृद्धिंगत कर सके इस प्रकार की सभा का निर्माण करो वो अत्यंत श्रेष्ठ शिल्पी है उसके जैसा आर्किटेक्चर किसका नहीं है महाभारत में वर्णन है उसने जो सभा निर्माण की आपकी भाषा में बोलना हो तो लोकसभा निर्माण की भवन निर्माण किया 8000 स्क्वायर मीटर का यह भवन है 8000, इसको बनाने में 14 महीने लगे हैं और महान शिल्पी मयासुर ने संसार में जो वस्तु जहां पर अत्यंत प्रसिद्ध है उसको वहां से लाला करके वहां पर जोड़ा है उसका बहुत सुंदर वर्णन महाभारत में आता है ऐसी सभा बनी कि जिस सभा की तुलना भूमंडल पर किसी की सभा के साथ नहीं की जा सकती थी एक बार पधारे हुए देवर्षि नारद जी ने साफ साफ कह दिया कि मैंने संयमनी नगरी में जाकर के यमराज की सभा को देखा मैंने स्वर्ग में इंद्र की सभा को देखा मैंने वरुण जी की सभा को देखा वे सभाएं अपने अपने स्थान पर अत्यंत श्रेष्ठ है लेकिन संपूर्ण भूमंडल के ऊपर तो इस प्रकार की सुंदर सभा किसी की भी नहीं है पांडवों की कीर्ति अब अधिकाधिक वृद्धिंगत होती गई है लेकिन केवल कंस्ट्रक्शन के कामों से विकास के कामों से ही कीर्ति नहीं बढ़ती है संपूर्ण राष्ट्र का प्रबंधन कैसा है द स्टेट मैनेजमेंट इसका सुंदर प्रकरण यहां पर आता है और देवर् नारद जी ने यह उपदेश किया है देवर्नाराय जी ने धर्मराज से पूछा राजन ये बताओ मैं तुम्हारे राज्य के बारे में कुछ बातें जानना चाहता हूं उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, उपदेश करने की दो शैलियां होती है एक शैली होती है सीधा सीधा कहना और एक शैली होती है प्रश्न के माध्यम से सुझाना जैसे अरे अधिक से अधिक पांच बजे तो उठना ही चाहिए भाई यह पांच बजे उठने के लिए की गई आज्ञा और अपेक्षा है इसको प्रश्न के रूप में कैसे ढालेंगे तुम पांच बजे तो भी उठते हो कि नहीं इसका अर्थ होता है पांच बजे तो भी उठना चाहिए मैंने उदाहरण के लिए बताया नारद जी महाराज के द्वारा किया गया यह उपदेश तो उपदेश है और महाभारतीय मैनेजमेंट का सबसे ऊंचा ग्रंथ है यह बात जो मैं खुलेआम बोलते रहता हूं उसका एक छोटा सा नमूना यहां पर आपको देखने मिलेगा

से प्रश्न पूछते हैं नारद जी का भी वर्णन जरा सुन लो नारद जी के बारे में महाभारतकार क्या बोलते हैं वेदोपनिषदाम वेत्ता ऋषि सुरगण अर्चिता वक्ता प्रगल्भो मेधावी स्मृतिमान कवि वेद उपनिषदाम वेदता नारद जी महान ज्ञानी है वक्ता है प्रगल्भ है बुद्धिमान है और समय समय पर कैसी बात करनी चाहिए इसके बड़े अच्छे जानकार है विद्वान व्यक्ति भी समयानुसार बोलना जानते ही हो ऐसा नहीं होता है एक होती है विद्वत्ता और एक होती है प्रासंगिकता विद्वान होकर के भी प्रासंगिक बात बोलना नहीं जानता हो तो लोकप्रिय नहीं हो सकता वो सुहाता नहीं कहां कितना कैसे बोलना चाहिए उतना बोलकर के बात समाप्त और एक बात और भी है बोलते समय क्या टालना चाहिए यह पता होना चाहिए नहीं तो उत्तम से उत्तम वक्ताओं का भाषण उनके द्वारा बोले गए एकाध दो गलत वाक्यों से सब गुड़ गोबर हो जाता है वट टू अवॉइड दे मस्ट नो नारद जी इन सब बातों के मास्टर हैं हाइएस्ट द जी ने पूछा राजन सबसे पहले मुझे यह बताओ इंद्र के सिंहासन बैठ पर बैठ करके तुम राज कर रहे हो तुम्हारा मन इसमें रमता है कि नहीं तुम जो काम कर रहे हो उस काम को तुम प्रेम से कर रहे हो कि बोझ ढो रहे हो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मैनेजमेंट इज क्वेश्चन ऑफ जॉब satisfaction। हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारा मन रमना चाहिए यदि उसमें मन रमेगा नहीं तो वो काम ज्यादा समय तक हमसे होगा नहीं जी का प्रश्न सुनो कच्चि कल्पनते धर्मे च रमते मना सुखा निच अनुभूयते सुखा निच मनश्चन अभिहन राज करते करते तुम उदास तो नहीं हो जाते हो ना किसी व्यक्ति को संगीत अत्यंत प्रिय हो और काम उसे अकाउंटेंसी का मिले तो करना तो पड़ता है भाई रोजी रोटी के लिए काम तो जो मिलेगा करना पड़ता है लेकिन उसका मन उसमें रमता नहीं है सबसे पहली बात यह है कि जो काम हमारे जिम्मे आता है उस काम में हमारा मन रमना हो तो वी कैन गिव दटमोस्ट आउटपुट जिसको पढ़ने का शौक है उसको कितना भी पढ़ने से थकान नहीं आती है जिसको गाने का शौक है उसको कितना भी गाना गाने से थकान नहीं आती है जिसको गणित का शौक है वो लोग इतने रम जाते हैं गणित करने में कि कमाल मैं तो कभी समझ नहीं पाया कि उनको क्या मिलता है लेकिन दे एंजॉय मूल बात यह है कि हमारे काम में हमारा मन रमना चाहिए और उसको हर व्यक्ति को वही काम मिलना चाहिए जिसमें उसका मन रमता हो नहीं तो व्यक्ति का पूरा आउटपुट मिलेगा नहीं पहली बात दूसरी बात उन्होंने पूछी ये बताओ तीन पुरुषार्थों का विचार व्यक्ति को करना होता है धर्म अर्थ और काम मोक्ष का विचार इसके पश्चात की स्वतंत्र बात है महाभारत में आपको त्रिवर्ग की बात अधिक मिलेगी त्रिवर्ग का अर्थ है धर्म अर्थ और काम सामाजिक और पारंपरिक मर्यादाओं के अनुसार मेरी कमाई और मेरे जीवन का सुखोपभोग इन बातों को लेकर के महाभारत हम लोगों को अपूर्व मार्गदर्शन करता है धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है संस्कृत भाषा में जिस अर्थ में धर्म शब्द प्रयुक्त तो होता है उस अर्थ में अंग्रेजी में उसका अनुवाद करने वाला कोई शब्द नहीं है इट्स नॉट जस्ट रिलीजन रिलीजन कहते हैं पूजा पद्धति को धर्म में केवल पूजा पद्धति नहीं आती है रिलीजन धर्म का एक अंग है ध्यान रखना धर्म शब्द का मूल अर्थ हमारी परंपरा में होता है कर्तव्य ड्यूटी पुत्र धर्म पुत्र का कर्तव्य पितृधर्म पिता का कर्तव्य राजधर्म राजा का कर्तव्य प्रजाधर्म प्रजा का कर्तव्य तो थ जी ने कहा इन तीनों बातों के लिए तुमने अपना दिनक्रम ठीक से बैठाया है कि नहीं एक राजा के रूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है फिर तुम्हें राज्य का कोष बढ़ाने के लिए कमाना भी है और फिर तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी है तुमने इन बातों की ठीक से व्यवस्था बैठा ही है कि नहीं विभज्य काले कालज्ञ नारद जी के शब्द कितने सुंदर है विभज्य काले कालज्ञ सदाबरद सेवसे हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है उसको ध्यान में रख करके आज का दिन व्यतीत होना चाहिए और आज का दिन व्यतीत करते समय मुझे समय का विभाजन करना चाहिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में आजकल टाइम मैनेजमेंट का बड़ा बोल बाला है होना भी चाहिए गलत नहीं है देवर्षि नारद जी महाराज तो समय के इतने पक्के हैं नारद जी के सूत्र में उनका एक सूत्र आता है क्षणार्धम अपि व्यर्थन न एक क्षण व्यर्थ नहीं ऐसा नारद जी नहीं कहते आधा क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना क्षणार्धम अपी न उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह अपने जीवन का आधा भी क्षण व्यर्थ नहीं और इसलिए उसे अपने सारे कामों का विभाजन करना चाहिए और विभाजन करते समय क्या करना चाहिए केवल मिनट नहीं गिनने चाहिए घंटे गिनकर के विभाजन नहीं होता है किस काम के लिए कौन सा समय क्वालिटी टाइम होता है इसको देखना चाहिए चौबीस घंटे में हर घंटा समान नहीं होता है हर घंटे का अपना अपना गुण प्रदान करने का एक बल होता है समय वो क्रिया करने से उसका सबसे अच्छा फल मिलता है इस वही करना चाहिए अब कल्पना कर करो बात को समझो यदि किसी से कहा कि भैया तुम्हारी दिनचर्या में व्यायाम का समय कुछ है कि नहीं तो एक भाई ने कहा हाँ जी मैंने आधा घंटा व्यायाम के लिए निकाला है अच्छा कौन सा आधा घंटा निकाला है उसने कहा दोपहर में बारह से साढ़े बारह तक का इसकी फिर आप समझ गए तीस मिनट आवश्यक होंगे लेकिन वो तीस मिनट दोपहर के नहीं चलेंगे यदि किसी ने कहा कि मैं रोज एक घंटा पूजा करता हूं कितने बजे करता हूं दोपहर दो, दो बजे से तीन बजे तक करता ये कोई समय हुआ विभच्च काले काल यू मस्ट नो द बेस्ट प्रॉपर्टी द बेस्ट आउटपुट ऑफ द टाइम द अवर व्यायाम के लिए समय निकालना है तो प्रातः काल का निकालना चाहिए या सायंकाल का निकालना पड़ेगा <coughs> पूजा के लिए निकालना है प्रातः काल का ही निकालना पड़ेगा आजकल के छोरा छोरियों को लगता है कि पांच छह घंटे नींद हो जाना या सात आठ जो भी आपको लगता होगा उतना बस है ना फिर कभी भी हो गया तो क्या है रॉन्ग सारी आपकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी, जिस ढंग की बनी है रात्रि में अधिकतम 11 के पश्चात आप जितना जल्दी सोते हैं वैसे दस ही लेकिन रात्रि में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक की जो नींद की बेला है उस नींद की बेला की तुलना दिन भर के और अन्य किसी भी समय की नींद से नहीं की जा सकती हमारे देह का क्रम इस सृष्टि के क्रम के साथ मिलना चाहिए वो मैच होना चाहिए सृष्टि का एक क्रम है और भारतीयों की विशेषता यह है कि उन्होंने इस प्रकृति को ध्यान में लेकर के सृष्टि को ध्यान में लेकर के अपने सारे हिसाब किताब बैठा है ये एक जनवरी कोई नया वर्ष होने की लायकी का दिन है क्या अरे सारा कोहरा है इतनी ठंड है प्रकृति पूरी की पूरी सुस्त बनी हुई है और हमारे यहां पर वर्ष का पहला दिन आता है चैत्र की प्रतिपदा देखो वसंत ऋतु है चारों ओर फूल खिले हुए हैं एक जनवरी को कहां कौन सा फूल खिला हुआ मिलता है आपको विदेश में तो मुश्किल ही है सब प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए अपना जीवन क्रम रखना यह आर्यों की पद्धति है इसलिए कहते विभज्य काले कालहा हमारे यहाँ छह ऋतु है इतना सूक्ष्म विचार का कभी किसी ने किया नहीं ने धर्मराज से पूछा आपने अपने समय के लिए आपने अपने कामों के लिए जो समय का विभाजन किया होगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं करता है ना कच्चिदर्थे न धर्मम धर्मेणा प्रीति सारेण न कामे न प्रभाद से समय का विभाजन करने के पश्चात भी हम लोग ओवरलैपिंग करते रहते हैं नारद जी कहते रॉन्ग आपकी भाषा में समझाता हूं इसका अर्थ क्या है जब ऑफिस में जाकर के बैठते हैं काम करने के लिए तो घर का फोन नहीं आना चाहिए और जब ऑफिस से घर पर आ जाते हैं तो ऑफिस की एक भी फाइल घर पर नहीं आनी चाहिए हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस के ही पूरे होकर के रहे और घर में हैं तो पूरे घर के होकर के ही रहे यह वृत्ति आवश्यक है जब पूजा करो तो पूजा में तल्लीन हो जाओ रसोई बनाओ तो रसोई में तल्लीन हो जाओ जब डिस्कशन करो तो डिस्कशन में तल्लीन हो जाओ जिस समय जो काम करना है उस काम में मुझे मेरा पूरा का पूरा मन उंडेलना आना चाहिए जो समय फैमिली के लिए निकाल परिवार के लिए निकाला है उस समय ऑफिस का फोन नहीं एक बहन मेरे पास शिकायत कर रही थी उनके पतिदेव की घूमने चलते नहीं है चलो मैंने कहा क्यों नहीं जाते भाई महाराज परसों तो गए थे मैंने उस बहन के मुख की ओर देखा तो उन्होंने कहा महाराज परसों गए तो थे साथ में हम लेकिन इनको पूछो पूरी गाड़ी में इनका फोन चल रहा था और ऑफिस का काम चल रहा था मैं तो इनका मुंह ताकती बैठी थी यह प्रॉब्लम है नड़ियाद में नहीं होगा उधर की बातें इस प्रकार की जीवन शैली जो अपनाएगा वो किसी को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा हर बात को अपना अपना न्याय मिलना चाहिए नारद जी इसके आग्रही है अगला प्रश्न नारद जी पूछते हैं राजन ये बताओ तुम राजा हो शत्रु मित्र और उदासीन इनका क्लियर कट डिविजन तुम्हारे मन में है कि नहीं यदि यह नहीं होगा तो तुम्हारे सारे निर्णय गलत होते जाएंगे देश को पता होना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन है हमारा मित्र कौन है और तटस्थ राष्ट्र कौन से आजादी के पश्चात सत्तर साल हो गए लेकिन हम अपने पापी पड़ोसी को पहचान नहीं पाए कि वो हमारा शत्रु है उसके साथ मित्र बनने का प्रयास करते करते उसी का आलिंगन करते रहे और मरते रहे ये राजनीति के सेंस का अभाव ध्यान रखना शत्रु शत्रु होता है ये बात इज़राइल के लोगों के ध्यान में बहुत जल्दी आती है हम जाते हैं इधर से बस लेकर के लाहौर की ओर और उधर से वो हमला करते कारगिल के ऊपर एट द सेम टाइम केवल शत्रु नहीं सबसे दगाबाज शत्रु यह सेंस जागृत होना चाहिए और इसके लिए हमारी दृष्टि एकदम धूमिल कभी नहीं होनी चाहिए स्पष्ट होनी चाहिए नो मैत्री शत्रु मित्रो मित्रोदासन शत्रु नाम कच्चि दिकी अच्छा इसके पश्चात प्रश्न पूछा है राजन प्रश्न बड़ा करारा है आप भी जरा आधुनिक संदर्भ में देखना हम अपने को बड़ा प्रगत राष्ट्र मानते हैं और हमारी डेमोक्रेसी द बेस्ट एग्जाम्पल बस यहां पर जो कहा है उसके साथ तुलना करो प्रश्न पूछा है नारद जी ने कि तुम्हारे मंत्री लोग कैसे हैं धर्मराज से पूछते मंत्री कैसे तुम्हारे और पूछते समय पहली बात तो यह पूछते कि तुम्हारे मंत्री कितने पढ़े लिखे होते हैं कैसी गजब की बात है एक बैंक में किसी को प्यून के भी सर्विस में रखना है तो उसका मिनिमम एजुकेशन आवश्यक होता है कुछ तो भी लेकिन हमारे यहां चुनाव लड़ने के लिए कोई मिनिमम एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है मंत्री बनने के लिए तो बिल्कुल नहीं है कच्चित संवृत मंत्र इसते नारजी का प्रश्न सुनो कच्चित संवृत मंत्र इसते मात्ययी शास्त्र को विदयी शास्त्र को विदई ही ही किसी न किसी शास्त्र का तो वो ज्ञाता होना चाहिए पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी हम ले आए जितना अंगूठा छाप उतना ऊपर दूसरी बात कहते हैं राष्ट्रम सुरक्षित शत्रुभी नविलूप तीन बातें कही है उन्होंने तुम्हारे मंत्री सभी के सभी मंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए बात एक दूसरी बात वे तुम्हारे लिए वफादार होने चाहिए कभी भी उनकी निष्ठा के बारे में किसी प्रकार की आशंका मन में नहीं होनी चाहिए और तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण बात उनको मुंह बंद रखकर के काम करने की आदत होनी चाहिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह बकास से ध्यान रखना इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं बिना कारण का बोलते हैं इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है चलो अच्छा है एक आदमी इस देश को मिला जो खाली मन की बात करता है और कुछ करता ही नहीं बाकी सबको वाय बाई करता है कच्चित संवृत मंत्र संवृत मंत्र कैबिनेट की बात किसी भी प्रकार कहीं पर भी बाहर लीक नहीं होगी इसकी व्यवस्था एक बात और भारतीय राजनीति की विशेषता देखिए प्रश्न पूछा है नारद जी ने राजन तुम निर्णय कैसे लेते हो हाउ डू यू कम टू अ कंक्लूजन अ डिसीजन दो बातें उन्होंने कही एक बात से सावधान रहना राजन कभी भी अकेले निर्णय लेना नहीं अकेले की बुद्धि कहीं पर भी प्रमाद कर सकती है सारा ज्ञान मुझे अकेले में ही भरा हुआ है इस प्रकार का अहम भाव रखना नहीं अकेले निर्णय लेना नहीं और दूसरी बात निर्णय लेने के लिए सभा बुलाना नहीं सभा बुला करके निर्णय होते ही नहीं अकेले का निर्णय गलत होगा बहुत बड़ी संभावना है बड़ा जमावड़ा बैठेगा तो निर्णय होगा ही नहीं खाली कोलाहल होता है फिर क्या करना चाहिए यही उपदेश भरत जी को भगवान श्री राम ने किया और यही उपदेश नारद जी धर्मराज को करते हैं हमारे देश में पॉलिटिकल साइंस की एक बड़ी परंपरा रही अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले हमारे विश्वविद्यालयों ने इन बातों को नकारा इन बातों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचने नहीं दिया और ये सारा पाप हमारी सरकारों ने किया लेकिन बृहस्पति का नीति शास्त्र है कामंदक का नीति शास्त्र है शुक्र का नीति शास्त्र है कौटिल्य का शास्त्र है एक शास्त्र की राजनीति शास्त्र की बड़ी परंपरा इस देश ने देखी है और महाभारत का नीतिशास्त्र तो अद्भुत है राजनीति के जितने सूत्र आज भी आपको महाभारत से मिलेंगे और मैनेजमेंट के जितने सूत्र महाभारत के भीतर आपको मिलेंगे उतने आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे पीटर ड्रकर से लेकर के स्टीवन कोफी तक पढ़कर के मैं आपको बोल रहा हूं यह अद्भुत ग्रंथ है हाउ टू कम टू कंक्लूजन प्रश्न ये नारद जी ने कहा राजन इसके लिए अधिकतम लोग तीन या पांच इन्वॉल्व होने चाहिए तीन या पांच तुम्हारे सहित तुम उसमें पहले इसका मतलब क्या हो गया दो या तीन दो या तीन या चार और ये भी कौन होने चाहिए यह उन, उन निर्णयों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए और उस काम के साथ संबंधित होने चाहिए इन पांच लोगों के अतिरिक्त और लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना एक बात दूसरी बात इनके साथ भी तुम्हें अकेले अकेले बैठ करके पहले विचार करना चाहिए आवश्यकता हो तो दो दो तीन तीन के साथ बैठ करके विचार करना और फिर फाइनल डिसीजन के लिए सबको साथ बैठाना एंड देन टेक द डिसीजन इट शैल बी द बेस्ट डिसीजन पॉसिबल सारे मैनेजमेंट के स्कूल्स में डिसीजन की इतनी सुंदर पद्धति नहीं है और तो और मैंने एमबीए के छात्रों से पूछा साठ सत्तर छात्रों से पूछा है कि भाई ऑफिस की व्याख्या क्या है वट इज एन ऑफिस अभी तक मुझे ऑफिस शब्द की व्याख्या डेफिनेशन देने वाला कोई माइका लाल मिला नहीं सब बेचारे जाते गूगलम शरणम रज देर इज नथिंग कितना सादा शब्द है चलो देवृशनारद जी महाराज कहते हैं इसके पश्चात राजन ये बताओ तुम्हारे राज्य की सुरक्षा रखने वाले सैनिक और अंतर्गत सुरक्षा रखने वाले सैनिक सीमा पर के सैनिक और अंतर्गत सुरक्षा वाले सैनिक इन सब का वेतन ठीक है कि नहीं सुरक्षा व्यवस्था पहले और सुरक्षा व्यवस्था जो रखते हैं जिनके जिम्मे होती हैं वे संतुष्ट होने चाहिए उनका वेतन सही है कि नहीं पहली बात वेतन के साथ साथ समय पर उनको भत्ता मिलता है कि नहीं दूसरी बात पढ़ के दिखाऊ आपको चलो कच्चि बल से बल का सैन कच्चिबल से भक्त वेतनच यथोचित उचित संप्रात काले ददासी न सेना का और जुडिशियरी का वेतन मान ठीक न होने के कारण हमारे यहां सेना के और जुडिशियरी के हजारों पद खाली है यह देश की आज की स्थिति बोल रहा हूं अच्छे दिन आने के बाद भी नारद जी कहते हैं सबसे पहले सैनिकों के वेतन की बात क्योंकि उनके बल पर हम अपने घर में सुरक्षित है फिर वे कहते हैं कमाल की बात वे कहते हैं जितने भी सैनिक तुम्हारी रक्षा करते हुए मौत को प्राप्त होते हैं उनका निधन हो जाता है उनके पिछले परिवार की सारी जिम्मेदारी राजा को लेनी चाहिए वो तुमने ली कि नहीं उनके पुत्रों की पढ़ाई और उनके कन्याओं के विवाह यहां तक की जिम्मेदारी स्टेट की होनी चाहिए आज भी नहीं है यह महाभारत का कितना लॉफ्टी दृष्टिकोण है पढ़ता हूं कच्चिदारान मनुष्य तवार्थे तवारे मृत्यु में ऊषाम व्यसन चाभ्युपेता भरतर्षभ फिर प्रश्न पूछा राजन एक बात बताओ तुम्हारा स्वयं के ऊपर पूरा नियंत्रण है कि नहीं जिसका स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा उसका राज कभी ठीक नहीं चलेगा उसके बारे में लोगों का मत भी अच्छा नहीं होगा क्यों नारद जी ने इतनी सुंदर चेन हम लोगों को दिखा दी वे कहते हैं कि राजा का कभी भी डायरेक्ट प्रजा के साथ संपर्क नहीं आता प्रजा का संबंध आता है अफसरों के साथ अधिकारियों के साथ अधिकारी नियंत्रित रहेंगे तो लोगों को सुविधा देंगे लोगों को खुश रखेंगे नहीं तो लोगों का हैरेसमेंट करते हैं लोगों को परेशान करते हैं प्रधानमंत्री कभी आकर के आपके घर पर नहीं पहुंचता है लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट मै, मैजिस्ट्रेट आपके पुलिस के अधिकारी इन सब का आपके साथ संबंध आता है यह सब अधिकारी तब ठीक ठाक काम करेंगे जब इनके ऊपर मंत्रियों का रात दिन वॉच रहेगा और मंत्री भी ठीक काम तब करते हैं जब उनके ऊपर राजा का पूरी तरह कंट्रोल नियंत्रण रहेगा और राजा भी ठीक काम तब कर पाएगा जब उसका अपने ऊपर नियंत्रण होगा इसलिए आत्मा जय सदाध्या तथोज याच मंत्री सबसे पहले राजा को चाहिए कि वो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करे जो स्वयं नियंत्रित नहीं है वो अन्य लोगों का नियंत्रण नहीं कर सकता राजा को स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना अपने ऊपर नियंत्रण रखने के माध्यम से मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना और उन मंत्रियों के माध्यम से अधिकारियों को नियंत्रित रखना यह जब होगा तब जाकर के प्रजा को सुख मिलेगा और वास्तव में लोगों को अच्छे दिनों का अनुभव होगा नहीं तो वो खाली हवा में रह जाएंगे त्मा जी सदा चाणक्य ने यह सारी बात केवल एक वाक्य में कह दी सर्वम ही शास्त्र इंद्रिय जया अरे सारे शास्त्रों का निचोड़ अपना अपने ऊपर नियंत्रण करने की कला विकसित करना यह आत्मानुशासन नारद जी ने कहा राजन तुम्हारे राज्य में किसानों की क्या अवस्था है किसान नारद जी कहते राजन सुनो वो राजा कभी अच्छा नहीं कहला जा सकता जिसने किसानों को बरसात के पानी पर निर्भर रखा है न कृषि दैव का ये वाटर मैनेजमेंट के सूत्र हैं। राजा को ध्यान में ये लेना चाहिए कि पानी निर्माण नहीं किया जा सकता हमारे हाथ में केवल इतना ही होता है कि जो आकाश से जल बरसता है उस जल का संचय अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे किया जाए इसलिए राजन तुम्हें अपने राज्य में स्थान स्थान पर अलग अलग स्थानों पर स्कैटर्ड बड़े बड़े तालाब खोद करके रखने चाहिए और यह तालाब बड़े होने चाहिए बिखरे हुए होने चाहिए और वर्षा से गिरने वाले जल का उनमें संचय होने की व्यवस्था होनी चाहिए वर्षा के समय यह तालाब भरने चाहिए तवरा तड़ागानी राष्ट्रे तड़ागा पूर्णा चुहंती चागशो विनिविष्टा न मातृका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वाटर मैनेजमेंट में बड़े अच्छा नाम कमाए हैं मैंने जब यह श्लोक उनसे कहा तुमने कहा महाराज लिख करके दो ये तो बहुत काम का श्लोक है मेरे लिए मैंने कहा इससे आप क्या करने वाले हैं अपने राज्य में उनका कुछ भी नहीं इतना ही करना होता है और बड़ी अच्छी बात है उनकी सज्जनता की कि उन्होंने विधानसभा में भाषण करते समय महाभारत के श्लोक का उद्धरण देकर के कहा कि हम लोग यही महाभारत की नीति अपनाना चाहते हैं नारद जी ने पूछा धर्मराज एक बात बताओ अचानक कहीं आग लग सकती है अचानक किसी रोग के कीटाणु फैल सकते हैं अचानक बाढ़ आ सकती है बाढ़ से लोगों को बचाने की भूकंप से लोगों को बचाने की रोग के कीटाणुओं से लोगों को बचाने की ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के पास तैयार होती है कि नहीं आग लगने के बाद में जल इकट्ठा नहीं किया जा सकता है कच्चि अग्निभया भया कच्चिद अग्निभयाच सर्व भया तदा रोग रक्षा भयाच राष्ट्रम स्व परि ये क्राइसिस मैनेजमेंट और इसके पश्चात की एक बात और सुन लो वैसे जितना कहा है उसमें से मैंने आपको आधा भी नहीं सुनाया है उतना समय नहीं है नारद जी ने प्रश्न पूछा राजन ये बताओ तुम्हारे राज्य में जितने भी अंध बालक या अंध व्यक्ति हैं लूले लंगड़े गूंगे जितने भी लोग हैं जितने विकलांग लोग हैं और जितने अनाथ बच्चे हैं जिनके कोई माता पिता नहीं है इन सब का पालन तुम पिता के प्रेम से करते हो कि नहीं कच्चित अंधांश मूकांश पंगुन व्यंगान अबांधवान पिते वासी धर्मज्ञ पिता इव पासी ये तुम्हारे बच्चे हैं उनके पालन की उनकी शिक्षा की संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए और यह भी कहा जो संन्यास लेकर के घर से चल पड़े हैं उनको कहीं पर भी तुम्हारे राज्य में कट्टों का सामना नहीं करना पड़े यह भी व्यवस्था राज्य को देखनी चाहिए मैं म्यांमार गया था एक गज़ों की बात मुझे वहां देखने मिली वहां किसी भी बस में कहीं पर भी ट्रेन में अगली सीट्स जो होती है वो सन्यासियों के लिए आरक्षित है लोग उसमें बैठ सकते हैं लेकिन यदि कोई साधु आ गया बौद्ध भिक्खु आ गया या हम जैसा भी कोई चला गया लोग तुरंत पहले उनको स्थान दे तथा प्रव्रजतान अपी विकलांगों की यह व्यवस्था हमारे देश में है अंधों की यह व्यवस्था हमारे देश में है जब सोचो सारे संसार का नंदनमन जिसको कहा जाना चाहिए ऐसा ये भारत देश स्वतंत्र होने के पचास सत्तर वर्षों के बाद भी एक भी नदी का जल पीने जैसा नहीं है है क्या बताओ गंगा जी का भी नहीं हमने वनों को तोड़ा हमने पानी को दूषित किया हमने हवा को इतना दूषित कर दिया नडियाद का मुझे पता नहीं है लेकिन दिल्ली शहर में आने वाला हर व्यक्ति बेचारा इस बात से परेशान है कि मैं पता नहीं कितने बड़े प्रदूषण के सागर में घुस रहा हूं इट्स ओशन ऑफ पोल्यूशन डरते हैं लोग पांच हजार वर्ष पहले के महाभारत की तुलना का भारत हम अभी तक पूरा खड़ा नहीं कर पाए ध्यान रखना देवशी जी ने ये सारे प्रश्न पूछे लगभग धर्मराज का इंटरव्यू है ये और हर बात में धर्मराज ने सटीक उत्तर देते हुए अपनी बात को साफ किया तो नारद जी ने कहा तुम धन्य हो तुमने आदर्श स्टेट निर्माण कर दिया आदर्श राज्य निर्माण कर दिया धर्मराज इसका अर्थ यह है कि अब आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए और सारे संसार को आपकी इस महानता को देखने के लिए आने दो एक बार भगवान द्वारकाधीश के साथ परामर्श करो और राजस्व यज्ञ की तैयारी करो भगवान द्वारकाधीश के पास दूत को भेजा गया उन्होंने भी इस बात का विचार किया राजस्व यज्ञ का मुहूर्त तो निकला कल प्रातः काल दस बजे का श्री राधे हरि ओम विशेष श्री राधे हरि